बिहार के बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधर और पंडित भी पिछले कुछ दिनों से अपना माथा पीट रहे हैं और यह बताने में असमर्थ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा में भेजेंगे या नहीं। आपको बता दें कि 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 24 मई से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब तक केवल आरजेडी के 2 उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद ने अपना पर्चा भरा है। आज 29 मई रविवार होने के कारण अब नामांकन भरने के लिए केवल 2 दिन का शेष वक्त बचा है, लेकिन अब तक आरसीपी सिंह को लेकर जनता दल यूनाइटेड में सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार के मन में आरसीपी सिंह को लेकर क्या चल रहा है या केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही राज्यसभा उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत किया हुआ है। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ मुलाकात हुई, मगर इस बैठक में आरसीपी सिंह पर क्या फैसला हुआ इसके बारे में ना तो आरसीपी सिंह कुछ बोल रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार। दिलचस्प बात तो यह है कि जनता दल यूनाइटेड के सहयोगी बीजेपी भी अब तक राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम पर कोई फैसला नहीं कर पाई। बीजेपी राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और बिहार बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर चयन के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया है। एक बात मगर तय है, जितना सस्पेंस बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को लेकर नहीं है, उससे ज़्यादा सस्पेंस और कंफ्यूजन जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।